खरगोन सर्व शिक्षा विभाग परिसर में सोमवार को जिले के विशेष आवश्यकता वाले 75 चयनित दिव्यांग छात्र छात्राओं को उपकरण वितरित किए गए। बीआरसी महाजन ने बताया कि दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने उन्हें शारीरिक कमजोरी के चलते मायूस ना होना पड़े, इसलिए समय समय पर शासन स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया जाता है। गत दिनों जनपद स्तरीय शिविर आयोजित कर दिव्यांगों का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया, जिसमें उपकरणों के लिए सूची राज्य शिक्षा केंद्र भेजी गई थी। बीआरसी मुरली महाजन ने बताया कि सूची के तहत 75 दिव्यांगों के लिए ट्राइसाइकिल और बैसाखी टहलने के लिए छड़ी, मिक्स किट, व्हील चेयर, बरेली, कनफोलिंग व ईयर मशीन आदि भेजे गए, जिनका वितरण चिकित्सकों की मौजूदगी में किया गया। उपकरण पाकर बच्चे काफी खुश नजर आ रहे थे। राज्य शिक्षा केंद्र समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो विकासखंड के अंतर्गत जो बच्चे अध्ययनरत है और दिव्यांग है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विगत 2 माह पूर्व हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए बच्चों के, उसके बाद इनका दिव्यांग बच्चों का चिन्हांकन हुआ, उस चिन्हांकन में सर्टिफिकेट भी बनाए गए। और ऐसे बच्चे जिन्हें उपकरण की आवश्यकता है उन बच्चों का चिन्हांकन हमने किया है। करीब 200-250 बच्चे आए थे पूरे विकासखंड से, जिसमें से 75 बच्चों को चिन्हांकित किया गया। वो सूची हमने राज्य शिक्षा केंद्र भेजी और राज्य शिक्षा केंद्र से हमें ये सामग्री प्रदाय हुई है और इस सामग्री का आज वितरण डॉक्टरों के सहयोग से, डॉक्टर भी आए हैं वहाँ से, उज्जैन से, राज्य शिक्षा केंद्र से, और उन बच्चों को आज वितरण किया जा रहा है। इसमें कैलिपर्स है, स्मार्टफोन है, ट्राइसिकल है और हेयरिंग्स, कानों के लिए हेयरिंग्स है, वैसे बहुत सारे उपकरण हैं जो हम आज प्रदाय करेंगे। क्या नाम? मुरलीधर महाजन, बीआरसी।